नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनू और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हर रोज मैं बैंक रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं और आज भी वही बैंक रिलेटेड वीडियो है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। आज हम सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक SBI CSP हूं, आप भी एक SBI CSP हो और बहुत सारे SBI CSP है, तो एक दूसरे को हम लोग जानते नहीं है, एक दूसरे का नाम भी पता नहीं है और हमारे एरिया पे कितने CSP है वो भी हमको पता नहीं, कौन सा बैंक का कौन सा CSP है वो भी पता नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत लोगों को पता होगा लेकिन हर तो हम लोगों को पता नहीं। तो आज हम वही सीखेंगे, वही आज हम देखेंगे कैसे, ये देखना है हमको कि हमारे एरिया में या तो कोई भी पिन कोड पे या कोई डिस्ट्रिक्ट पे कितने CSP से और कौन सा बैंक का है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो भी वेबसाइट पर अपलोड रहता है। आज हम वही देखेंगे कि कौन सा वेबसाइट पर, कौन सा जगह पर ये उनका नाम रहता है, उन सभी का नाम रहता है, हम सभी का नाम रहता है, तो उसको कैसे निकालना है, तो आज हम आप वही चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। चलिए आपको मैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हम आ गए लैपटॉप पर और गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अभी हम लोग को एक वेबसाइट पर जाना है, उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मैन्युअली टाइप करते हो तो आपको टाइप करना पड़ेगा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस BC रजिस्ट्री। अब मैं जूम कर दिया, आप देख लीजिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस BC रजिस्ट्री, ऐसे लिख के हम एंटर करेंगे या गो पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो ये मोबाइल में भी कर सकते हो या लैपटॉप पर भी कर सकते हो गूगल क्रोम पर। चलिए जैसे ही हम एंटर कर दिया, गो कर दिया और नीचे देखिए और एक लिंक आ गया है जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट रजिस्ट्री होम इंडिया बैंक्स बोल के जो लिंक है, उस लिंक पर हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो अब हमें इस लिंक पर क्लिक करना है, चलिए क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक किया और आगे का जो नेक्स्ट पेज है वो आ जाएगा, ये वेबसाइट खुल चुका है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट रजिस्ट्री। ये साइट पर देखिए थोड़ा कुछ सिस्टम अपग्रेडेड, क्लिक हेयर टू एसेस, कुछ मेंटेनेंस चल रहा है तो हम लोग को क्लिक हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हम क्लिक कर दिया तो आगे का देखिए नेक्स्ट पेज अभी खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुल गया, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट BC, यानी कि जो BC से, इस पर क्लिक करने से BC का लिस्ट आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ट्रैकर, इस पर हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो आगे का पेज है वो खुल जाएगा। आगे का पेज भी हम लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, अपना जो भी CSPs है, जो भी बैंक है वो हम यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं हमारे एरिया में या हमारे पिन कोड में कौन कौन CSP है। तो चलिए ये नेक्स्ट पेज खुल गया, यहाँ पे देखिए हम लोग को जो सिलेक्ट मोड है, देखिए सर्च बाय पिन कोड, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, हम क्या करेंगे कोई भी पिन कोड डाल के उस पिन कोड का जो भी CSPs है, कौन सा भी बैंक हो वो CSP हम देख सकते हैं। चलिए मेरा जो पिन कोड है मैं वो डाल के देखता हूँ, 782446। डालने के बाद गो पे क्लिक करना पड़ेगा हमको। हम जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो ये पिन पर जो भी CSPs है, SBI हो, कौन सा भी बैंक हो, पंजाब हो, कनाडा हो, एनी हो, सब निकल जाएगा। और गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट निकल गया, हम इसको ब्लर कर देते हैं क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी के पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करें और YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ होगा। चलिए ये हमारे ये जो पिन कोड है 782446, इस पर जो देखिए 154 शायद 154 यस नंबर ऑफ BCs फाउंड फॉर पिन कोड 782446, इस पिन कोड पर 154 CSPs मौजूद है जो उनका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ निकल गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम घर बैठे बैठे गूगल पे जाकर इंडिया के हर कोने कोने के CSP के डिटेल्स, नाम, बैंक का डिटेल्स सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानकारी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।